14 अप्रैल, और इसके बाद भी जो आखिरी शाही स्नान होगा वो होगा 27 अप्रैल को। तो बहुत सारे भाई भी आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं। हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई। कैसा लग रहा है भाई आपको? बढ़िया बढ़िया। और अगर बात करें इस ट्रेन के फेयर की, तो मुझे न्यू दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कितना फेयर रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। अच्छा, तो अभी जस्ट मैं बात कर रहा था तो पीछे से आगे बोल रहे थे भाई हमें भी लो, हमें भी लो। अभी देखो इनको कैमरे के सामने आके, बिल्कुल थोड़ा नर्वस हो गए कैमरे के सामने। मुझे आ रहा है ना, जर्नी के नज़ारे, विंडो सीट। और मैं बैठा हूँ गंगा घाट के किनारे, ये देखिए। बिल्कुल शुद्ध हवाएं चल रही हैं, बहुत ही फ्रेश वाटर है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आज जर्नी करने वाले हैं न्यू दिल्ली देहरादून जन शताब्दी की, जो कि हमें सीधा न्यू दिल्ली से पहुँचाएगी हरिद्वार। उसका जो लास्ट स्टॉपेज है वो है देहरादून। बीच में भी ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, जो पूरी क्लास है ट्रेन की वो सेकंड सीटिंग ही है, तो मैंने सेकंड सीटिंग चूज़ किया है। और अभी न्यू दिल्ली से जो इसका टाइम है वो है 3:20, जो कि आपका पीएम है तो 15:20 है, तो अभी 10-15 मिनट बचे हुए हैं। तो ये देखिए मैं ऊपर हूँ, और जो बीच में है वो भी ज़्यादा हॉल्ट नहीं है ट्रेन के, तो बीच में भी जो हॉल्ट हैं ट्रेन के वो 7 या 8 हॉल्ट हैं, और 9 बजे ही आपको पहुंचेगी देहरादून और 7:30 बजे पहुंचेगी हरिद्वार। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ, और चल रहे हैं अभी हरिद्वार महाकुंभ में। पूरी जर्नी की डिटेल दूंगा मैं आपको, आप भी इसी ट्रेन में न्यू दिल्ली से महाकुंभ में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो अपनी हरिद्वार वाली ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 11 से रवाना होगी, जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ अंदर की जो पूरी जो क्लास है, सारी सीटिंग क्लास है, तो अंदर चलेंगे और आपको दिखाऊंगा। और ये ट्रेन हमें पहुँचाएगी शाम को 7:30 बजे हरिद्वार, और ऐसे ही आप भी आ सकते हैं महाकुंभ के अंदर जैसे मैं जा रहा हूँ इसमें। ये देखिए इसकी क्लास पूरी। सो जो पूरी क्लास है वो सिटिंग क्लास है, चेयर कार है, जो दिन दिन का सफ़र है आप आराम से बैठ के गुजार सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे लगी हरिद्वार के लिए, तो शाम को पहुँचेंगे हरिद्वार। अभी टाइम है थोड़ा करके आया लंच, कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरनगर। तो बीच में भी ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, 4 या 5 हॉल्ट है बीच में, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ, रुड़की, हरिद्वार, फिर देहरादून। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:40, और मैं पहुंच चुका हूं रुड़की। तो ये देखिए कुछ अंदर का कोच, रुड़की आते आते सारा कोच खाली हो चुका है। और अगर बात करें इस ट्रेन के फेयर की, तो मुझे न्यू दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कितना फेयर रहा है वो सिर्फ 150 रुपीज़ रहा है। और जो स्पेस है, लाइक सिटिंग का स्पेस है इसके अंदर, लेग्स रिलैक्स करने का स्पेस है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सिटिंग का। दिन में 4 साढ़े 4 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं बीच में। सो अगर बात करें फेयर की, बस में और ट्रेन में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ट्रेन बहुत ही बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि अगर आप बस से जाओगे दिल्ली से हरिद्वार तो फेयर भी डबल है, 350-400 रुपये का है, बट यहाँ 150 में आपका काम हो जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी, वहाँ टाइम भी 7-8 घंटे लगता है। तो बस अब यहाँ से लगभग 1 घंटा लगेगा
हरिद्वार के लिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना जांच हो रही है या नहीं हो रही है आपका, अगर आपको दिल्ली से करवा के आनी पड़ेगी कोरोना जांच, या फिर जहां से आप आ रहे हैं हरिद्वार में स्क्रीनिंग हो रही है नहीं हो रही। कल मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि जिसके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है उसको वापस भेज दिया हरिद्वार से, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने तो करवाई है, जांच करवाई थी दिल्ली से, पर उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। और स्पेस के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये देखिए तो बिल्कुल स्पेस तो सही है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। अच्छा, तो अभी जस्ट मैं बात कर रहा था तो पीछे से आके बोल रहे थे भाई हमें भी लो, हमें भी लो। अभी देखो इनको कैमरे के सामने आके, बिल्कुल थोड़ा नर्वस हो गए कैमरे के सामने। ये मुझे आ रहा है ना बनाने। हाय, तो आप भी कहाँ, हरिद्वार महाकुंभ में चल रहे हैं क्या? हरिद्वार भी जा। तो वहाँ पर कितने दिन का प्लान है आपका? हमारा 3 दिन का। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? हम गाजियाबाद। गाजियाबाद से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सीटिंग वाली जो ट्रेन है, क्लास है, वो कैसी लगी आपको? सही है, अच्छी है? अच्छी है ना? अच्छी है बिल्कुल भाई, बिल्कुल अच्छी है। बस से सही है या वो? बस से तो भाई लाखों अच्छी है। अच्छा, बस में क्या परेशानी आती है अब जैसे आप पहले आए होंगे तो? बस में भैया यही है, लेट भी पहुँचाती है, पैसे भी ज़्यादा लगती है। हाँ, और अभी तो कोरोना टाइम में जगह जगह रोका भी जा रहा है, जाम भी लग रहे हैं, तो ट्रेन बेस्ट है हरिद्वार महाकुंभ के लिए। अभी 27 तक है, एक साई स्नान 12 को था, 14 को है, 14 में मैं जा रहा हूँ, और एक 27 अप्रैल को है। आप उससे पहले भी आ सकते हैं, उसके बीच में भी ज़रूर जाएं हरिद्वार। तो एक बार बाहर चल के देखते हैं नज़ारा रुड़की। ये देखिए तो बस लगभग पहुंचने वाले हरिद्वार। तो इस वीडियो से एंड तक आप जुड़े रहिए और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट ज़रूर कर देना कमेंट बॉक्स में, लाइक भी कर देना वीडियो। तो ये देखिए जर्नी के नज़ारे, विंडो सीट। तो एक ट्रैवल का तो एक अलग ही मज़ा आता है। अभी शाम हो गई है, दिन में 3 बजे बैठा था, 7 बजे है लगभग, आधा घंटा हो रहा है बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर, ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई। इससे पहले ज्वालापुर एक स्टेशन था, वहाँ पर रोका गया और बोला गया कि हरिद्वार ट्रेन नहीं रुकेगी, सो वहीं उतरना पड़ेगा। पर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हरिद्वार रुकेगी, तो मैं यहाँ उतर गया हूँ हरिद्वार। और बात करें कोरोना टेस्ट की, या फिर जो आप रिपोर्ट होगी आपके पास, आप जाँच करवा के आए हैं तो यहाँ पर चेक हुई है या नहीं, तो जहाँ से पहले एग्जिट होता था वहाँ से एग्जिट नहीं, एक फुट ओवर ब्रिज है वहाँ से एग्ज़िट कराया गया है। और कोरोना रिपोर्ट तो अभी यहाँ पर जांच नहीं करी थी मेरी, किसी से भी नहीं मांगी कोरोना रिपोर्ट, ना ही यहाँ पर अभी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। आपको बस ऐसे पास कर दिया जा रहा है आगे की तरफ। और ये था पहले वाला गेट, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी रेलवे स्टेशन का नज़ारा, ये देखिए। और राइट हैंड साइड में मेरे हरिद्वार की जो मार्केट है वो, यहीं से सीधा हम चल रहे हैं अब हर की पौड़ी। तो अभी आज रात के दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा हर की पौड़ी के, और वहां का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं आगे की तरफ अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, या तो आप रिक्शा लेके आ सकते हैं या तो पैदल आ सकते हैं। मैं आया हूं पैदल और मार्केट क्रॉस करके अब पहुँच चुका हूं हर की पौड़ी। तो ये देखिए यहां का नज़ारा, कल है भव्य स्नान और अभी भी भीड़ नॉर्मल है, मीडियम उसको बोल सकते हो आप, या फिर नहीं बोल सकते, भीड़ बहुत ज़्यादा कम है कुंभ के हिसाब से। यहाँ पर अभी मेरे को एक भी बाबा नहीं दिखे, बहुत ही कम संख्या में मुझे दिखे हैं। और ऊपर से भी एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ का रात का नज़ारा ये देखिए। जब मैं आज से लगभग 5-6 महीने पहले आया था, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर लास्ट वीक में, जब हम जा रहे थे केदारनाथ धाम के लिए, तो एक रात स्टे करा था
और वो व्लॉग आपने देखा होगा हरिद्वार वाला, जब यहाँ पर काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब मैं आया था उस वक्त ये घाट ही बन रहे थे और प्रिपेयर हो गए इस तरफ वाले घाट भी और दूसरी तरफ वाले भी। अभी का यहाँ का नज़ारा तो देखने लायक है, इतनी चकाचौंध है और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है। इस वाले घाट और उस वाले घाट पर देखिए उधर से पूरी लाइटिंग और वो फुट ओवर ब्रिज बना रखा है ऊपर से, ये देखिए। सो गाइस देखिए अभी तो डुबकी लगाऊंगा नहीं, अब रात हो गई है। देखिए कितना शुद्ध पानी है। बहुत ही आनंद आ रहा है, रात का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और कल है शाही स्नान 14 अप्रैल और इसके बाद भी जो आखिरी शाही स्नान होगा वो होगा 27 अप्रैल को। तो बहुत सारे भाई भी आए हुए हैं तो उनसे जानते हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है आपको? गाइस हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मजे कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं तो अकेला आया हूँ, आप सबका तो ग्रुप है पूरा। 40-50 जनों का हमारा ग्रुप है। 40-50 जनों का ग्रुप है। कहाँ से आए आप? अच्छा, जगदीशपुर से आए। तो जो धार्मिक जगह होती है उनका एक आनंद ही एक अलग होता है। नहीं, यहाँ हरिद्वार हो गया, केदारनाथ हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। आपने स्नान कर लिया? जब मन करता है तब स्नान कर रहे हैं और ये प्रोग्राम सारी रात चलता रहता है। हाँ, ये ऐसे चलते रहता है, जिनको नहाना जब नहाओ नहा। अच्छा अच्छा, किसी को नाम नहीं है बट शाही स्नान के लिए कुछ अलग ही फायदे आते हैं। अखाड़े लोग नहाते हैं तो उस दिन का वैल्यू कुछ ज्यादा। हाँ, जिस दिन अखाड़े नहाते हैं उस दिन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। जैसे जूना अखाड़ा हो गया और भी बहुत सारे अखाड़े हैं उस दिन, तो कल वो सब नहाएंगे। कल वो नहाएंगे, कल उनके नहाने के बाद नॉर्मल पब्लिक नहा पाएंगे। अच्छा, उनके नहाने के बाद पब्लिक नहाती है? जब तक वो नहाएंगे तब तक सारे रास्ते बंद रहेंगे, कोई नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, अखाड़े सब नहा के चले जाएंगे फिर शाम से नॉर्मल पब्लिक जितने वो नहाएंगे। टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग वो 8 बजे से लेके शाम तक ब्लॉक रहेगा। शाम तक ब्लॉक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आखिर आते रहते ब्लॉक रहता है, तो हम वहाँ भी नहीं आ सकते। वहाँ से बंद रहेगा वो, फाटक लगा देंगे, वो लग रहा है ना लगा ब्लॉक का। सो गाइस रात के हो रहे हैं अभी लगभग 10:30 और मैं बैठा हूँ गंगा घाट के किनारे। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध हवाएं चल रही हैं, बहुत ही फ्रेश वाटर है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है। तो आज का अपना ये दिल्ली से हरिद्वार का व्लॉग, जो अपना ट्रैवल व्लॉग था, कि आप भी कैसे पहुँच सकते हैं बहुत ही बजट के अंदर और कौन सा ट्रांसपोर्ट आपको चूज़ करना है, तो वो सब मैंने आपको इस व्लॉग के अंदर बताया। हर हर गंगे ज़रूर कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। और ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। कुछ भी क्यूरीज हो sagar_sharma543 में इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को वहाँ DM कर सकते हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको गंगा की। और ये देखिए वो दूर शिव जी की जो मूर्ति है उधर देखिए, और उधर वो गंगा जी। यहाँ की चकाचौंध बहुत ही अच्छी है। तो क्या बोल रहा था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है, आप भी खुश रहिए, मज़े करिए लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है। कमेंट ज़रूर कर देना। हर हर गंगे, हर हर महादेव।